ओए उस्मान, तुम ठीक तो हो? क्या मतलब है? आयगुल ने आप पर हमला किया? वो पागल दीवानी हो गई है बेटा, उसका दिमाग काम नहीं करता। उसे मैं अपने भाई के पास इलाज के लिए भेज रही हूँ बेटा। खैर तुम उसे छोड़ो, ये बताओ भाईजान ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि क्या तो सैलाब की तरह आ रहा है और आग की तरह चला देगा। वो काई कबीले में किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहते। ये वक्त बहुत हसास है अम्मी जान। ये तो मुझे भी पता है, सिर्फ ये जानना है कि उन्होंने क्या हुक्म दिया है। वो घातों की लगी हुई आग को बुझाएंगे अम्मी। तुर्कों को बचाने के लिए वो उससे बातचीत करेंगे, वो माहिदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, अब जो उनको बेहतर लगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उस्मान के पागलपन को रोकें। उस्मान सोफिया के जाल में फंस चुका है, अब नहीं बच सकता। उसकी मौत की खबर जल्द आ जाएगी। अच्छा है, क्योंकि मामू जान की नजरें कबीले पर हैं। वो नहीं चाहते कि एक पागल की वजह से मुसलमानों का खून बहे। वो हर चीज से बाखबर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गजल खातून को कहना दुंदार साहब को तैयार करें। गजल खातून तैयार है, नए दौर का आगाज हो चुका। सोफिया, शहजादी की हिफाजत करो। यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। घोड़ों की तरफ चलो, जल्दी करो, जल्दी। मेरी आयगुल, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे समझने में देर लगा दी मैंने। जब तुम्हें इस हालत में देखता हूं तो मुझे हर सांस तकलीफ देती है, लेकिन मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। कस्तामोनू सैयदहान में नामी गिरामी मुआलिज मौजूद हैं। तुम वहां जाओगी और ठीक होकर दोबारा मेरी आयगुल बनकर आओगी इंशाल्लाह। ये सरजमीन अब दुश्वार हो गई है। सांस लेना तो एक तरफ, जिंदगी की डोर भी कच्चे धागे से बंधी है। तुम क्या कहती हो बेटी? हाँ, क्या तुम जाना चाहती हो? ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर होगा आयगुल। मैं अपने दिल पर पत्थर रखूंगा और तुम शिफा पाकर कबीले वापस आ जाओगी अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे बुलाया था गजल खातून? क्या तुम्हें भूख लगी है मेरे शेर? अस्तगफिरुल्लाह गजल खातून, मैं आपके साथ बैठ के खाने के लायक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा कहती हूँ, बैठ जाओ। मेरी बात को हवा में मत उड़ाओ। सिपाही बनना चाहते थे ना, बना दिया सिपाही। नायब बनना चाहते थे तो अब तुम साथ हो दुंदार के। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं बेटा। अब तुमसे मैं एक बेटा बनने की तवक्को रखती हूं। जो आपका हुक्म। मुझे ज्यादा लंबी बात करना पसंद नहीं है। आयगुल ने मेरे साथ जो किया तुम जानते हो। मैंने सुना था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बात ही ऐसी है। और तुम उन लोगों की तकदीर से वाकिफ हो जो मुझे मारने का सोचते हैं। आयगुल कबीले से जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। रास्ते में तुम जो जरूरी हुआ वो करोगे और उसकी लाश गिद्धों के लिए छोड़ दोगे। दुंदार साहब को इस बात का पता चला तो मेरी नस्ल मिटा देंगे। और उस लड़की का दिमाग काम नहीं करता गजल खातून। मैं भी तो यही कह रही हूं, उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर वो कहीं से गिर गई खुदा न खास्ता, और अगर वो किसी पहाड़ी से छलांग लगा दे तो फिर कौन सवाल करेगा तुमसे? आयगुल को मारने वाले तुम हो, ये बात अगर दुंदार ने सुन ली तो वो तुम्हें मार डालेगा। और अगर तुम आयगुल को नहीं मारोगे तो फिर अपने मरने की भीख मांगोगे। शेर कहा है मैंने तुम्हें, तो शेर बन के दिखाओ। गीदड़ बनने की जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म गजल खातून। कहाँ जा सकता है वो? हम तलाश जारी रखेंगे। उस्मान एक खतरनाक शिकारी है, उससे इस जंगल में तलाश करना नामुमकिन है शहजादी। उस्मान शदीद जख्मी है, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे मौके पर पीछे हटना बेवकूफी है। यहाँ से आगे काई हदूद है, कहीं हम किसी जाल में न फंस जाएं। मैं कभी भी उसको मारने के इतने करीब नहीं हुई। सही कह रही हैं आप, लेकिन शहजादी सिपाहियों की सूरत हाल आपके सामने है। जिद मत करें, वापस चलें। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत होगी उस्मान, इससे आगे की जिंदगी मुश्किल है। तैयार हो जाओ, हम कले वापस जा रहे हैं। चलो। उस्मान, उस्मान, मेरे बहादुर जवान, मेरे बेटे, तुम्हारे जख्मों को फौरन दागना होगा, लेकिन हम आग नहीं जला सकते। सोफिया हमारे पीछे है, हमें फौरन कबीले वापस पहुंचना होगा। गुप्तोग, ये दरअसल निम्बाही की वजह से परेशान है। इससे अपनी गलती का एहसास खाए जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम करो तुम। ओ मेरे उस्मान, उस्मान भाई, मुझसे ये क्या हो गया है? वो जिसने तुमसे ही तुम्हारे भाई को मरवा दिया, मैंने मार दिया उसको, लेकिन ना तो जुल्म खत्म हुआ और ना ही जालिम। अब हम हमेशा साबित कदम रहेंगे, हर हाल में चौकन्ने रहेंगे। हमेशा मेरे साथ बस यूं ही पैरों पे खड़े रहना, ताकि हम जालिम का और जुल्म का खात्मा कर सके। उस्मान, 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 हिम्मत करो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हम कभी ले जाएंगे। बुरहान, शाबाश। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटी, बस तुम आवाज दो, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी रूह में लगी आग बुझ जाएगी, तुम्हारे दिल का तूफान थम जाएगा। इंशाअल्लाह तुम शिफा पाकर कबीले वापस आओगी। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। गुजर जाएगा ये वक्त भी मेरी जान, गुजर जाएगा, और तुम जल्द ठीक होकर अपने कबीले वापस आ जाओगी। फिर हम जल्द एक साथ अच्छे दिन गुजारेंगे। आयगुल, मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो। तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा था, मेरी बातों को हरगिज मत भूलना। तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हारी एक माँ भी है। तुम मेरी बेटी हो आयगुल, मेरे दिल में, मेरी दुआओं में हो तुम। अल्लाह के हवाले करती हूँ तुम्हें। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी बच्ची, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुमसे मिलने आऊंगा वहां, मैं कबीले से तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी आयगुल, यह हमारा आखिरी बिछड़ना होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद तुम्हारे बाबा कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। शाबाश, खैरियत से जाओ मेरी बेटी। इसे अच्छी तरह से बांधो। चलो अब छापना शुरू करो। ठीक है सलजान खातून, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जाकर जल्दी वापस आइएगा आयगुल खातून, आयगुल खातून जाकर जल्दी वापस आइएगा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, अल्लाह के हवाले। आयगुल, ये कहाँ जा रही है? काम जारी रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। दुंदार साहब, मैंने आयगुल को देखा, खैरियत तो है? कहाँ गई है वो? इलाज के लिए भेजा है, आप परेशान ना हो सलजान खातून। ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेचारी बच्ची का इलाज कहाँ है? कस्तामोनू में, मेरे भाई यावला कसन के कबीले के करीब सैयद खान में। आयगुल एक शिफा खेमे में तबीबों की निगरानी में रहेगी और वहाँ उसकी देखभाल अच्छी होगी और बहुत जल्द शिफा पाएगी इंशाल्लाह। गजल खातून, तुम जब से आई हो तुमने यावला हसन की रट लगाई हुई है। ये आप क्या कह रही हैं सलजान खातून? इसने कभी कुछ गलत नहीं किया। क्या पूरे कबीले की जिंदगियां इसकी मकरूज नहीं है? याद रखें दुंदार साहब, हमारी जिंदगियां अल्लाह की और ये सरजमीन सलीमान शाह की मकरूज हैं। यहाँ इलाज की जगह नहीं थी क्या? क्या यहाँ से सारे तबीब चले गए हैं कि आपने उसे कस्तामोनू भेज दिया इलाज के लिए? हम सब हैं ना उसके लिए यहाँ पर। आप इसकी माँ जैसी हैं, आपकी परेशानी समझता हूँ सलजान खातून, लेकिन उसका यहाँ से जाना उसके लिए बेहतर है। क्या इतने सारे मसाइल के दरमियान आप खुद ही बताएं वो ठीक हो सकती थी? पहले ही मेरा दिल बहुत उदास है, मजीद मुश्किलात मत बढ़ाएं। हाँ, तुम्हारी गफलत की वजह से पहले मैंने अपने बहादुर बेटे बातुर को गंवाया। मेरी बात गौर से सुनो दुंदार, अगर आयगुल को जरा भी कोई तकलीफ पहुंची तो देखना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये क्या हो गया उस्मान साहब को? क्या हो गया ये? या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह रहम करना। ये क्या हुआ? हट जाओ, ये तो सिपाही बोरान है। हट जाओ रास्ते से। कैसे हो गया ये सब उस्मान साहब? जल्दी करो, या अल्लाह ये तो उस्मान साहब है। उस्मान साहब को कुछ कहो। उस्मान साहब, हुआ क्या है? कैसे हो गया? मानने क्या है ये सब? कौन हो सकता है? कैसे हो गया ये सब? या अल्लाह ये सब कैसे हो गया? उस्मान साहब, उस्मान साहब जल्दी करो। उस्मान, 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 इन्हें क्या हुआ है बामसी साहब? ये जिंदा तो है? जिंदा है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी है ये। हमें फौरी तौर पे जख्म दागने होंगे। सलजान खातून कहाँ है? सलजान खातून, सलजान खातून, सलजान खातून को बुलाओ जल्दी से। सलजान खातून कहाँ है? कहाँ है सलजान खातून? क्या हुआ मेरे उस्मान को? उस्मान, 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 या अल्लाह, उस्मान, मेरा भतीजा उस्मान। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया उस्मान साहब को? क्या हो गया ये? या अल्लाह, खैर कर, या अल्लाह रहम करना। ये क्या हुआ? उस्मान साहब के साथ करने वाले को खुदा गारंटी करे। या अल्लाह, मेरे उस्मान साहब को कुछ ना हो। उस्मान साहब, ये क्या हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बुरा हुआ। खुदा इनकी हिफाजत करे, कुरान संभल के, इनका साया हम पर हमेशा रहे। उस्मान, इसे फौरन अंदर लेकर आओ, जल्दी करो बुरहान, जल्दी करो। वहाँ क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा भाई उस्मान, चलो जल्दी करो, चलो। मेरे उस्मान, उस्मान, मेरे भाई, मेरे भाई। गुंडोस, रुक जाओ गुंडोस, रुक जाओ मेरे बेटे, रुक जाओ, सब्र करो गुंडोस, हिम्मत से काम लो। सलजान खातून को अपना काम करने दो। मुझे सच सच बताएं बामसी साहब, सच बताएं मुझे, किसने किया उसके साथ ऐसा? सोफिया, सोफिया बेटा, सोफिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ वक्त पर पहुँच गए, लेकिन वो जख्मी हालत में था। इसका जख्म गहरा लगता है बामसी भाई। हाँ, इसका जख्म गहरा है दुंदार साहब, लेकिन सलजान खातून और बाला बेटी अपनी पूरी कोशिश करेंगी। हमें उनके काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सब्र करो, सब्र करो। मेरे अल्लाह, मेरा दूसरा बाजू भी कट जाए, बस तू हमें हमारा उस्मान वापस लौटा दे। हमसे हमारे उस्मान को मच्छी न या रब, करम कर, हमारे उस्मान को लौटा दे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे उस्मान, बस। जख्म बहुत गहरा है, अगर हमारे दागने से भी ये जख्म ठीक ना हुआ तो हम क्या करेंगे? उस्मान के बगैर कैसे रहेंगे? सिर्फ मौत है जिसका कोई इलाज नहीं। उस्मान जिंदा रहेगा और सांस लेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे बहादुर जवान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, बस मेरे उस्मान, तुम अभी खड़े होगे, बस। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी। सिपाहियों को भेजो, पता करें कि उस्मान जंगल में ही है या कबीले पहुंच गया है। अगर जिंदा है तो कले पे हमला करेगा। जो आपका हुक्म शहजादी। अपने सख्त तरीन सिपाहियों को बुलाओ फौरन। एलेक्सिस, यहाँ आओ। तुम हमारी निजात की आखिरी उम्मीद की तरफ जाओगे, आया निकोला की तरफ। सूफिया को तुर्कों के खिलाफ मदद की जरूरत है, कहना। जैसे आप कहे शहजादी। आया निकोला, वो कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा शहजादी, ये आप जानती हैं। हर सूरत में करेगा। इस किले पे कब्जा हुआ तो ईसाई इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। देखना आया निकोला जरूर आएगा। वो ठीक नहीं है। कुछ भी हो सकता है अब। हुजूर, देखो गुंडोस भाई को कितना सदमा लगा है। हाँ, जाहिर सी बात है, भाई है इनका वो छोटा। गुंडोस, मेरे भतीजे गुंडोस, संभालो खुद को। गुंडोस साहब, गुंडोस, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मेरा भाई बहुत बहादुर है। ताईजान, आप क्या कह रही हैं? हाँ? एक जख्म मेरे भाई का क्या बिगाड़ सकता है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसे। मेरा उस्मान बहुत बहादुर है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई को। वापसी साहब। गुंडोस, मेरे बेटे, बाला बेटी अभी उस्मान के पास है। अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह को मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी हिफाजत नहीं कर सका बामसी साहब। पापा से क्या कहूंगा मैं? हाँ? आप तो जानते हैं ना, मैंने कोताही नहीं की, लेकिन जब पापा उस्मान का पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे? है ना, काम हो गया। बेटा, उस्मान ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा उस्मान। तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। पुरसुकून हो जाओ और हिम्मत से काम लो। बेटा, तुम सरदार हो इस कबीले के। अगर तुम हिम्मत हार गए तो बाकी लोगों का क्या होगा? तुम मजबूत होगे तो वो भी मजबूत होंगे। तुम्हें मजबूत रहना होगा। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह उस्मान साहब को जल्द से याद करें। हिसाब के दिन क्या जवाब दूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा मैं? अपनी ख्वाहिशात की वजह से उसके चचा और उसके बाबा के तौर पर उसकी हिफाजत ना कर सका। मैंने हमेशा उसको रोकने की कोशिश की, मैंने हर सूरत हाल में उसकी राह में रुकावटें पैदा की। कैसे जवाब दूंगा? ऐसा सोचकर अपने आप पर जुल्म ना करें, मत करें ऐसा। माना कि माजी में आपसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन आपने उन गलतियों से सीखा। अच्छी बात अपने किए पर निदामत है आपकी। देखें आप कितने अरसे से उस्मान के शाना बशाना उसके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे। अब अगर उस्मान उठ खड़ा हो और आप जो कह रहे हैं वो सुन ले तो उसे कितना दुख होगा। क्या वो उदास नहीं होगा, नाराज नहीं होगा? अपने दिमाग में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब पूछेगा, हिसाब मांगेगा आपसे। अगर उसे कुछ हो गया तो, और वो शेर जैसा जवान गुजर गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा गजल? मैं इस पछतावे के साथ कैसे जीऊंगा? अपने आप को संभालिए दुंदार साहब। क्या उस्मान जैसा बहादुर भला इस तरह मर सकता है? बिल्कुल नहीं। दुआ हम करेंगे और शिफा अल्लाह देगा। परेशान मत हो। अल्लाह के हुक्म से उस्मान हर मर्तबा उठ खड़ा होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। आप उसके बाबा की तरह हैं और वो आपके बेटे की तरह है। हौसला रखें ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो आपको देखकर उसकी हिम्मत बढ़े। उसे आपकी जरूरत है। हम देखेंगे कि आप दोनों फिर से जंग लड़ेंगे। चचा भतीजे जामे शहादत का जाम नोश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक मर्तबा फिर आप दोनों दुश्मन पर गालिब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खातून, जब मेरा उस्मान अपनी आंखें खोलेगा और मुझसे कहेगा कि चले चचा जान, हम जंग के लिए जा रहे हैं, मैं उसके आगे आगे चलूंगा, उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहूंगा जब तक मेरी सांस बाकी है।